तो खाना जितना पौष्टिक है उतना ज्यादा तंदुरुस्त आपका मछली होगा। आज मैं ये कैबिनेट पे बैठा हूं ये दिखाने के लिए कि यहां पे एक नया टैंक आने वाला है, नया आइडिया आने वाला है, बहुत जल्दी बनेगा वीडियो, देखना है ना कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नया है। तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ। ये हमारा होममेड फूड का दूसरा वीडियो है, इसमें हम एक वेजिटेरियन रेसिपी आपको दिखाने वाले हैं जिसमें कैरेट है, मटर है, पालक है, कॉलीफ्लावर है और दो वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है, देखते रहो। यहां पे आप गार्लिक यूज कर सकते हो, गार्लिक यानी लहसुन हिंदी में। लहसुन एक चमत्कारी इंग्रेडिएंट है, एक्चुअली चमत्कारी है हमारे लिए भी और फिश के लिए भी। अभी हमें इन सब वेजिटेबल्स को थोड़ा पकाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा पकना है, ओके, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। इसलिए उबलते हुए पानी में हम क्या करेंगे, अपना जो भी वेजिटेबल्स है जैसे कि मटर है या कॉलीफ्लावर है या कैरेट है, जो हार्ड वेजिटेबल्स है, इसको हम पहले डाल के थोड़ा एक दो चार मिनट अच्छे से पका लेंगे, ओके। और जब ये पक जाए, मतलब पूरा भी नहीं बट थोड़ा सॉफ्ट से पक जाए, तो आखिर में इसमें हम थोड़ा पालक डाल देंगे लास्ट में। पालक डाल के इसको हम कुछ एक दो मिनट पकने देंगे। मैं अगेन बता रहा हूं, घर के नुस्खे में पानी गंदा होगा, प्लांटेड एक्वेरियम हो या हेविली प्लांटेड टैंक हो या ज्यादा ग्रेवल वगैरह हो तो ये घर का नुस्खा मत यूज करो, ज्यादातर बेयर बॉटम टैंक्स में यूज करो, अगर यूज भी करते हो तो फटाफट साफ करो। जब ये पक जाए तो इसमें से हम पानी में से निकाल के उसे स्ट्रेन कर लेंगे और एक प्लेट में डाल के मटर अलग कर लेंगे और जो बचा हुआ जो वेजिटेबल है जैसे कि कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, पालक है, हम उन्हें एक मिक्सर का बोल में डाल के और अभी जो इंपॉर्टेंट है गार्लिक बहुत कम यूज करना चाहिए, लेकिन जब है सिस्टम में तो फिश का हेल्थ बढ़ाता है, कहा जाता है डाइजेशन बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, और जब फिश खाना नहीं खा रहा है तो वो खाने को ललचाता है फिश को, मतलब जो मछली ने एक दो दिन खाना नहीं खाया वो भी जाके खाएगा वो स्मेल के वजह से, ठीक है। एंड ये भी बोलते हैं कि गार्लिक व्हाइट स्पॉट्स ये सब प्रॉब्लम्स का जो पैरासाइट है उसको भी मार देता है, ठीक है। तो गार्लिक चमत्कारी, अगर आपके रेसिपी में थोड़ा सा गार्लिक है तो फायदेमंद है। अभी हमने मटर बचाया था, मटर का छिलका निकाल देंगे, याद है ना पिछले बार भी मैंने बोला था कि मटर का छिलका मछली को पसंद नहीं आता है। अभी पूरा छिलका निकाल के उसे भी हम अपना वो मिक्सर बोल में डाल लेंगे। अगला जो ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना का कैप्सूल आता है, बॉटल आता है और ये कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। एक छोटा रेसिपी के लिए एक कैप्सूल अच्छा है। और जब खाने में डाला जाए तो स्पिरुलिना करता क्या है, ये फिश का डाइजेशन या पाचन शक्ति बढ़ाता है, ठीक है, फिश का कलरेशन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब कोरोना में हमने बहुत इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है भाई, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना भगाओ, सेम स्पिरुलिना वही करता है। हाँ आप भी खा लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ेगा आपका भी, बट फिश का इम्यूनिटी बढ़ाता है, कलरेशन बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करता है और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो वो भी इंटेस्टाइन साफ करता है, फायदेमंद है ना। इसके एक दो और भी बेनिफिट्स है, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना ये मिक्सर में जो हमने वेजिटेबल्स डाला है उसका जार बंद करेंगे और टाइट से बंद करेंगे। जैसे अगर इम्यूनिटी बढ़ता है तो मतलब डिजीज कम आएगा, ओके, सो और वो डिजीज पैरासाइट को फाइट करने में फिश को मदद करता है। एंड बेस्ट पार्ट,
फिश को यूनिफॉर्मली बढ़ने में मदद करता है, हेल्प्स द फिश ग्रो बेटर। स्पिरुलिना बहुत फायदेमंद है, कोई भी रेसिपी में यूज करो। आप सिर्फ यही रेसिपी में यूज करना है करके नहीं है, आप कोई भी अपना घर का जो होममेड फूड है, जैसे कि गोट हार्ट मिक्स है या कुछ और भी डाल रहे हो, स्टीम्ड एग है या कुछ भी है, उसमें मिक्स कर दो और खिलाओ। स्पिरुलिना इज वेरी गुड। इन तरकारियों को हमें एक आधा मिनट मिक्सी में पीसना है ताकि वो एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाए, और ये पेस्ट को थोड़ा थोड़ा एक आधा चम्मच जैसा निकाल के अपना ये आइस ट्रे में हम उसके अंदर डाल के, ठीक है, फ्रिज में जहाँ पे आइस जमता है वहाँ पे हम उसे फ्रीज करके जमा लेंगे, ठीक है। ये एक दो तीन घंटे में ना अच्छे से जम जाएगा और आइस क्यूब जैसा ही बन जाएगा। एक्चुअली बोल सकते हो कि इजी टू यूज क्यूब्स, ताकि हम एक एक क्यूब निकाल के टैंक में डाल सके। अब ये हम ट्रे से निकाल लेंगे एक प्लेट में डाल के, यू नो, वो जो क्यूब्स है हम इसको एक महीना दो महीना भी आराम से स्टोर कर सकते, ऐसे ही फ्रीजर में स्टोर कर सकते, खराब नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जम चुका है ना। ये वाला जो फूड है आप ऑस्कर्स को, सिकलिड्स को, एंजल्स को, गोल्डफिश को, गप्पीज को, मॉलीज को, कोई भी फिश जो वेजिटेरियन खाना खा सकता है आप खिला सकते हो, शार्क, ठीक है, सब खाएगा इस खाने को ना। गप्पीज, गप्पीज के बच्चे, मॉलीज बहुत चाव से खाते हैं, जैसे ये आउटडोर पॉन्ड में आपको दिख रहा है कितना एंजॉय कर रहे हैं खाने को। गोल्डफिश भी कुछ कम नहीं है, बिकॉज ये खाना बहुत पौष्टिक है, ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स है, गार्लिक है, स्पिरुलिना है, तो इसमें बहुत टेस्ट रहता है और इनको कलरेशन, बॉडी ग्रोथ सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने पहले भी बोला था आपको, घर के नुस्खे में पानी गंदा होता है, और अगर पानी गंदा होता है तो सब प्रॉब्लम्स आता है, तो पानी साफ रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खिलाओ, खाना होते ही फटाफट क्लीन करो, और अगर आप बेयर बॉटम टैंक में खिला रहे हो तो बेटर है, प्लांटेड टैंक में तो प्लीज मत यूज करना, डोंट डू इट, ओके। ये खाने को ना आप हफ्ते में एक या दो दिन में आराम से अपने मछली को खिला सकते हो। अगेन जैसे मैंने बोला है, आप कोई भी मछली, ऑस्कर है या गोल्डफिश है या गप्पीज, मॉलीज, सब फिश को खिला सकते हो। अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है, हेल्दी खाना है। नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग, ओके, इसमें हम स्टीम्ड एग और उसमें क्या डालना चाहिए, क्या वेरिएशन होगा, उसमें प्रॉन्स या कोई नॉनवेज कैसे डालते हैं, वो सब दिखाने वाला हो, तो मिस मत करना। सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और सुपर वीडियोस देखते जाओ। अरे रुको रुको रुको, जाना मत, थोड़ा सा मेरा बर्थडे वीडियो भी है, देखते जाना, ओके। ये साल का बर्थडे बहुत स्पेशल है, नॉट जस्ट बिकॉज मेरा टीम मेरे साथ है, वो तो हर साल मेरे को, आज तो सरप्राइज भी किया, और हर साल मेरे को सपोर्ट करते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। बट ये साल आप सब सब्सक्राइबर्स, दोस्त, हॉबीस्ट, आप सब के विशेस, बहुत सारे विशेस, एंड आई मीन मैं इंग्लिश में ओवरवेलम्ड बोलते हैं, ठीक है, मैं हिंदी में क्या बोलते हैं, गदगद हो उठा हूँ, ओके, बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार, आपका विश्वास मेरे ऊपर शब्द नहीं है, ओके, सो थैंक यू सो मच। फाइनली, खाना अच्छा है तो फिश हेल्थी है, अच्छा खाना खिलाओ, साफ पानी रखो तो फिश हेल्थी रहेगा, खुश रहेगा, लंबा जिएगा, एंड
एज ऑलवेज थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल आप सबको। मेरा बर्थडे, आपका बर्थडे, ये साल से याद आया। 2020 का बर्थडे काउंटेड नहीं है, हिसाब में नहीं आता है, ये नो ईयर नो काउंटिंग, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका भी बर्थडे हो लेकिन साल काउंट मत करना। तो अभी भी मैं 24 का ही हूं। ओके, बाय।